शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति 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 नमः शिवाय। ओम नैष्कर्म्य सिद्धि में तृतीय अध्याय के 44 नंबर श्लोक ये विचार हो गया। अहम पदार्थ का शोधन हो गया, साक्षी है अहम पद का लक्षार्थ, लक्षार्थ को वाच्यार्थ से अलग समझे तो ऐसा गृहीत अहम पदार्थ ज्ञः चेत पश्वादना प्रपद्यते, तो वाक्यार्थ का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करेगा, महावाक्य के अर्थ को जान लेगा। अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार उसी को होता है जिसने अहम पदार्थ का शोधन किया, है ना। यदि कहोगे प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोध हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षयोक्ति न युष्मति, क्योंकि तत्त्वमसि जो महावाक्य है वो तो पारमार्थिक अद्वैत वस्तु को विषय करता है, और प्रत्यक्षादि प्रमाण तो उपाधि का आत्मा को विषय करता है, दोनों का विषय अलग अलग है, विरोध नहीं। बृहदारण्यक में ये बात आती है, बृहदारण्यक में ये बात आती है, कोई कहता हिरण्यगर्भ को असंसारी, कोई कहता हिरण्यगर्भ को संसारी, तो परस्पर तो विरोध हुआ, असंसारित्व और संसारित्व में तो विरोध है। हिरण्यगर्भ असंसारी परमात्मा है, ये संसारी जो जीव है, देखो दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं हिरण्यगर्भ के विषय में, स्मृति भी प्राप्त होते हैं, स्मृति भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो फिर विरुद्ध अर्थ हो तो प्रामाण्य होगा नहीं, स्मृति वाक्य में नहीं होगा और स्मृति वाक्य में भी नहीं होगा, उसका ये समाधान भगवान भाष्यकार करते हैं बृहदारण्य के भाष्य में। हिरण्यगर्भ का स्वरूप असंसारी है, इसलिए असंसारित्व पारमार्थिक है, और उपाधि को लेकर संसारित्व होता है, ये संसारित्व उपाधिक है और असंसारित्व पारमार्थिक है, तो कोई विरोध नहीं है। जैसे स्फटिक है, स्फटिक निसर्गतः स्वभावतः स्वच्छ है, लेकिन उसमें रक्त भी रक्त रूप दिखता है जपा कुसुम पुष्प रख देने पर, तो रक्त उपाधि का है और स्वच्छ स्वभाव होता है, तो कोई विरोध नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए, लक्षार्थ में अद्वैत है और वाच्यार्थ में द्वैत होता है, तो विरोध नहीं है वो, इसलिए तत्त्वमसि महावाक्य लक्षार्थ में अद्वैत को कहता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यवहारिक में द्वैत का विषय करता है, व्यवहारिक पदार्थ को विषय करता है प्रत्यक्षादि प्रमाण, और वेदांत तत्व को विषय करता है, तत्वावेद का प्रमाण होता है वेदांत, और प्रत्यक्षादि प्रमाण और तत्वावेद का व्यवहारिक प्रमाण है, ये दोनों का विषय एक नहीं है, अलग अलग, इसलिए कोई विरोध नहीं कर, इसलिए कहा न युष्मदि, युष्मदि अनात्मा है उपाधि का है, उसको विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण करता है, वेदांत वाक्य उसको नहीं करता।
पूर्वस्यैव श्लोकार्थस्य विस्पष्टार्थम आह। पूर्व में श्लोक में जो तात्पर्यात्मक अर्थ कहा उसी का ही विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए ये 45 नंबर श्लोक है। देखिए नर परांचैव तु सर्वाणि परांचैव तु सर्वाणि प्रत्यक्षादीनि नात्मनि प्रतिच्चैव प्रवृत्तं तत् प्रतिच्चैव प्रवृत्तं तत् सदशीति वचोंजसा सदशीति वचोंजसा। तो कहते हैं कि प्रत्यक्षादीनि सर्वाणि प्रत्यक्षादि प्रमाण जितने भी हैं, है ना, तो वेदांत में प्रत्यक्षादि छह प्रमाण मानते हैं। अद्वैत वेदांत जो उपनिषद है, उपनिषद प्रमाण से अतिरिक्त जितने भी होते हैं प्रमाण प्रत्यक्षादीनि सर्वाणि सभी प्रमाण जो है उपनिषद को छोड़ करके ये सब जो है परांची एव परांची परान अंचती थी परांची परांग परांग तो अनात्म पदार्थ होता है। ये अनात्म पदार्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाण अनात्म पदार्थ को विषय करता है। इसको कहते हैं न आत्मनि जो आत्मा है आत्मा से यहाँ पर चिदाभास को नहीं लेना है, साक्षी रूपी आत्मा को लेना है। आत्मा शब्द का लक्षात के लिए यहाँ पर जो निर्विशेष जो आत्मा है प्रत्यक्ष स्वरूप जो आत्मा है उसको प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय नहीं करता है। बोले प्रत्यक्ष स्वरूप में कोई गुण धर्म तो है ही नहीं, कोई गुण धर्म हो तो रूपादि हो तो चित्रादि प्रमाण विषय करेगा, है ना, अरे अनुमान भी नहीं होगा। उसमें कोई लिंग हो हेतु इत्यादि हो तो विषय करेगा, अनुमान प्रमाण भी नहीं होगा, कोई सादृश्य भी नहीं होगा, उपमान भी नहीं होगा, गुण क्रिया के जाति संबंध भी नहीं है तो शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति हो जाएगी, है तो अर्थापत्ति भी नहीं हो सकता। जिसका अनुपलब्धि का अभाव में होता है इसलिए कोई भी प्रमाण इस आत्मा को विषय नहीं करता है। वेदांत भी अतत व्यावृत्ति से बोध कराता है, अतत व्यावृत्ति नेति नेति के द्वारा धर्म है ना, ऐसा है। इसलिए सत शब्द से असत का व्यावर्तन करने के लिए सत शब्द का प्रयोग होता है, इसी प्रकार चित का होता है, आनंद का होता है, अतत व्यावृत्ति एक। अच्छा इसलिए प्रतिची एव प्रवृत्तम तत्, हाँ ये जो वेदांत वाक्य है तत्त्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है ये प्रतिची एव प्रवृत्तम प्रतिची प्रतिचा अंचति इति प्रतिकूलेन प्रातिलोम्येन विपरीततया अंचति प्रकाशति इति प्रत्यंग सत्वे प्रतिची है। वेदांत वाक्य का विषय प्रत्येक आत्मा है, निर्विशेष आत्मा है, निर्विशेष आत्मा को ही वेदांत वाक्य विषय करता है नेति नेति के द्वारा अतत व्यावृत्ति से। इसलिए शोधित अर्थ का जब ज्ञान हो गया तो वेदांत वाक्य क्या करेगा, तत् सत असी है, इसलिए ओह तुम हो तो ही तुम हो, इस प्रकार से इसलिए सत सत कहने से सत ब्रह्म तुम वही सत ब्रह्म हो। इस प्रकार बच्चा हो बच्चा कहने से वेदांत वाक्य है, वेदांत वाक्य बच्चा हो बच शब्द का बन जाएगा प्रथमा बहुवचन बन जाएगा बच्चा हो, बोले वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्य जो है ये अंजसा अंजसा कहने से स्पष्टतया
स्पष्ट रूप से वही प्रत्येक आत्मा को ही विषय करता है, कोई विरोध इसमें नहीं है। और अकारण तो यदि बच्चा करेंगे तो प्रथमा एक वचन बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, बच्चा। और बस शब्द बहुवचन करेंगे तो बच्चा हो जाएगा, तो कारांत करके बहुवचन हो गया, और अकारांत करेंगे तो एक वचन हो जाएगा। बहुवचन करें तो अच्छा है, फोर्टी फोर हो, थोड़ी टीका है देखो। प्रतीचि उक्ति न युष्मदे श्लोक विभाग प्रवक् प्रत्यक्षतः प्रपंचते करते हैं, प्रपंचते श्लोक का विभाग करके इस प्रकार हुआ। 46 आगे देखो, वहां देखो, यस्मा शोधित पदार्थस्य वाक्यार्थ प्रतिपत्तो न मानांतर विरोधस तस्मा ततः प्रतिपत्तिर घटते एव इति उपसंगरति तस्मादिति। क्योंकि देखो सबसे बड़ी घाटी है ये पदार्थ का शोधन करना, विवेक करके अन्नो व्यतिरेक जो है ना, चार प्रकार का बताया, चार प्रकार का अन्नो व्यतिरेक रूपी जो मन मनन है, मनन है, चार प्रकार के व्यतिरेक रूप जो है मनन है, उससे जो पदार्थ का शोधन करना, यस्मा शोधित पदार्थस्य, एक तो कहते हैं देखो, शोधित पदार्थस्य वाक्यार्थ प्रतिपत्तो न मानांतर विरोधस तस्मात् ततः प्रतिपत्तिर घटत एव इति उपसंहरति। इस प्रकार उपसंहार कर रहे हैं देखो, है ना। तो किस प्रकार उपसंहार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वाक्यार्थ प्रतिपत्तो, वाक्य हो गया वेदांत वाक्य, है ना, वेदांत वाक्य है ये। तो वेदांत वाक्य का जो अर्थ हो गया अद्वैत वस्तु, है ना, जीवात्मा परमात्मा के लक्षार्थ में जो एकत्व, ये होता है अर्थ, परस्पर में जो अभेद जो है यही है वाक्यार्थ, दोनों का स्वरूप एक ही है। दोनों का स्वरूप क्या है, एक ही, और क्या, जीवात्मा का भी लक्षार्थ शुद्ध चेतन, ठीक है, और परमात्मा का भी है ना लक्षार्थ शुद्ध चेतन है, ठीक है, दोनों का स्वरूप एक ही है, दोनों में अभेद है, भेद नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके ज्ञान के लिए ये होता है कारण, शोधिता पदार्थस्य, पदस्य अर्थ इति पदार्थ, पद कौन हो गया, तत्पद और तम पद, उसका जो अर्थ हो गया पदार्थ, तो पदार्थ कैसा होना चाहिए, शोधित पदार्थ, शोधित मतलब क्या है, है जिसमें गुण धर्म का कुछ भी संबंध है ही नहीं, है ऐसा निश्चय होना, इसी का नाम क्या होता है, शोधित पदार्थ। आत्मा को विशिष्ट मान रहे हो, ये क्या हो गया, अशोधित पदार्थ। चैतन्यम यत अधिष्ठान लिंगत यश्च यह पुनः इच्छा
लिंगा देहस्तो तसंगो जीव उच्चते। सबको मिला करके अपने को आत्मा मान रहे हो, मैं मान रहे हो, ये हो गया अशोधित पदार्थ। मिली जुली सरकार है ना, मिला जुला मान रहे हो। अधिष्ठान चेतन, अंतःकरण, और अंतःकरण में क्या है, चिदाभास। है कि नहीं? जैसे लड्डू है, लड्डू, लड्डू में शक्कर डाल दिया और क्या, तो मीठा कौन है, शक्कर मीठा है कि बेसन मीठा है? तो मीठा तो शक्कर है, सब मिला जुला मान रहे ना, लड्डू मीठा है बोलते, तो मीठा कौन है, बेसन मीठा है कि शक्कर मीठा है? इसी प्रकार मैं आम मनुष्य हूँ, किसको मान रहे हो, मनुष्य शुद्ध चेतन को मनुष्य मान रहे हो कि शरीर को मनुष्य मान रहे हो, किसको मनुष्य मान रहे हो, सबको मिला करके मान रहे हो, है कि नहीं, सबको मिला करके मान रहे हो, है ना। अहम स्थूल, मैं मोटा हूँ बोलते हो ना, इसको मोटा मान रहे हो, शुद्ध चेतन को मोटा मान रहे हो कि शरीर को मोटा मान रहे हो, सबको मिला कर मान रहे हो ना, मिला करके मानते हैं, मिक्सा मिक्सचर मिक्सचर हो गया। है ना, सबको मिला जुला दिया, इसी मिक्सचर हो गया और क्या। इसी प्रकार आनंद को अलग करना है, सत को भी अलग करना है, चित्त को भी अलग करना है, और आनंद को भी अलग करना है कि नहीं, यही मनन में है ना। हाँ, तो मनन नहीं हो पा रहा है तो है, वो मंदा अधिकारी हो, मनन श्रवण तो कर रहा है लेकिन मनन नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा अधिकारी बन जाएगा वो, कौन सा अधिकारी बन जाएगा, मंद अधिकारी। ओके, है ना। ऐसा होता है, उसको बहुत संशय हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, संशय हो जाता है, संदेह, वो मध्यम हो जाएगा वो, है ना। प्रमेय में संशय हो जाएगा, इसमें उपासना नहीं की है ना, उपासना वो नहीं की है कि नहीं, कर्म नहीं किया है तो श्रवण में उनका अधिकार नहीं होता है। महाराज हमको वेदांत में श्रवण नहीं, श्रवण में रुचि नहीं हो रही है, लेकिन नहीं, फिर दूसरे में लग जाता है वो, है ना, फिर योग में लग जाएगा, ध्यान शिविर में जाएगा, लेकिन वेदांत में रुचि नहीं हो रही है, बाकी में रुचि हो रही है, तो कौन सा अधिकारी हो गया, बंदा अधिकारी। वेदांत का श्रवण नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कर्म नहीं है, निष्काम कर्म कभी हुआ नहीं पहले, लेकिन कर्मा भाव प्रयुक्त, निष्काम कर्म भाव प्रयुक्त, लेकिन श्रवण अभाव, वेदांत का श्रवण वो नहीं कर सकता, तो किस में लग जाएगा, दूसरे में लग जाएगा, वो होता है कौन सा अधिकारी होगा, मंदा होगा कि मध्यम होगा, मंदा हो गया वेदांत, मंदा हो गया, निष्काम कर्म किया ना, तो वेदांत में श्रवण कर रहा, वेदांत श्रवण में लगाया वो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, वो मनन नहीं कर पा रहा है ना, मनन नहीं कर पा रहा, लेकिन वेदांत सुन तो लिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मनन नहीं कर पा रहा है, मनन तो ही करेगा ना, उपासना जो की ईश्वर का बल हो, उपासना हो, है ना, ये उपासना न होने के कारण वो व्यक्ति मनन नहीं कर पाता है ना, ये उनको संशय होता रहेगा कि भाई मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ। लेकिन उपासना न होने से मरण जो ना कर सके वो किस कोटि में आएगा, मध्यम कोटि में आएगा, ना में आएगी। हाँ, श्रवण तो किया लेकिन मनन नहीं है, श्रवण तो किया लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, मनन नहीं, मनन करना पड़ेगा उसको, मनन करना पड़ेगा, जो मध्यम कोटि में आ जाएगा धर्म है ना, लेकिन साक्षात्कार हुआ नहीं है ना,
सम्यक ज्ञान है ही नहीं तो निध्यासन में नहीं लग पाता। मनन तो लग गया हो लेकिन निध्यासन नहीं हो पा रहा है, तो उसको उत्तम माहना उत्तम कुटि में आएगा वो, निध्यासन करेगा तो उत्तम हो जाएगा। ये सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है नहीं? तो ऐसे व्यक्ति के लिए और बार बार जो है वो क्या करोगे, तत्चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम ये सब करना पड़ेगा। ये सब करेगा तो निध्यासन पे लग जाएगा, बार 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 मनन करेगा तो संसार दिखाई देने पर भी सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ब्रह्मा हो सकता हूँ, ब्रह्मा अद्वितीय हो सकता है, तब फिर वो निध्यासन करता है। लेकिन चलो प्रश्न के अनुसार शोधिता पदार्थस्य, पदार्थ का शोधन कर लिया हो, मनन कर लिया ना हो, मनन कर लिया, मनन कर लिया तो आगे बढ़ेगा, निध्यासन में लग जाएगा वो, समझे ना? वाक्यार्थ प्रतिपत्त, वाक्यार्थ अद्वित वस्तु उसका ज्ञान में न पानांतर विरोध, किसी अन्य प्रमाण से तो विरोध होगा नहीं, तो अपुरुष वाक्य है ना, अपुरुष वाक्य का विषय तो पारमार्थिक है, बाकी प्रमाण का विषय तो व्यावहारिक पदार्थ है, तो विरोध नहीं होगा। न मानांतर विरोध तस्माद, इसीलिए स्वतः प्रतिपत्ति, इसलिए वेदांत वाक्य से ज्ञान हो जाएगा, अतएव ज्ञान हो ही जाएगा। इति उपसंहरति, उपसंहार करते देखो, तस्मात तस्मात प्रमात्र प्रमाण प्रमेयभ्यो यमान उपाधीयमानेभ्यो अन्वय व्यतिरिकाभ्याम मुंजेशिकावत अशेष बुद्धि विक्रिया साक्षितया आत्मान निष्कृष्य, अपने को निकाले अपने स्वरूप को निष्कर्ष्य निष्कृष्य मतलब निकाले, मतलब अपने को समझे कि मैं कौन हूँ, आप कौन हो, बोलते तुम तो साक्षी हो, साक्षी तया मैं तो साक्षी हूँ इसका, अपने को साक्षी के रूप से जाने, अपने को जानना यही निकालना है अपने को, जो अपने स्वरूप को नहीं जाना तो आत्मघाती हो, वो आत्मघाती हो गया अपना है स्वरूप साक्षी, अपने को सुखी दुखी मान रहा है, इसका मतलब आत्मा का ही अपमान कर दिया, अपने स्वरूप को नहीं जानना ही आत्मा का अपमान है। इसलिए कह रहा है तुम तो साक्षी हो, इसके साक्षी हो, देखो जैसे कहते अशेषा बुद्धि विक्रिया साक्षी तया, नीचे से ले रहे हैं समस्त बुद्धि है ना, बुद्धि से सब वृत्ति को ले लो, सब जितने भी बुद्धि विक्रिया, हाँ विकार से यहाँ पर वृत्ति ले लो, बुद्धि के समस्त जो विकार है सुख दुख राग द्वेष जितने भी हो रहा है, हैं समस्त बुद्धि के विकारों का आप साक्षी हो, लेकिन वो साक्षी यदि ना होता कोई सनातन रजान में उसका, या सनातन आत्मा तो सनातन है, सनातन आत्मा यदि सनातन ना होता तो वृत्ति के वृत्ति को कौन प्रकाशित करता, वृत्ति के अभाव को कौन प्रकाशित करता है, इसलिए आत्मा साक्षी रूप से सनातन है, वो नित्य है, वो अशेष बुद्धि विक्रिया साक्षी तेजा है। कैसे निकालोगे, दृष्टांत दे दिया मुंजा इसी का बोध, जैसे घास विशेष होता है तृणा, उसके अंदर एकदम कोमल सा होता है, उसको निकालना हो तो बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है बड़ी सावधानी से निकालना पड़ेगा। तार्किक लोग थे बहुत सावधान तो हुए, इतना तो मालूम है उन लोगों की, तार्किक लोग आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा देहादि से अलग है, लेकिन अपने को क्या मान लिया, सुखी दुखी मान लिया, फूल शरीर से आत्मा अलग है इतना तो ज्ञान हुआ, लेकिन सुखी दुखी से भी आत्मा अलग है, सुखी दुखी अंतकरण है ये उनको विवेक नहीं हो पाया है कि नहीं? वो तो वो ज्ञान तो पहले से ही है, न्याय पढ़ने से पहले ही अपने को तुम सुखी दुखी मान रहे थे, और न्याय पढ़ने के बाद भी अपने को सुखी दुखी मान लिया तो क्या अधिक हुआ, अधिक तो कुछ हुआ नहीं इसलिए इसलिए कह रहे सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो फिर
अपने को सुखी दुखी मान लोगे, है कि नहीं? अंतिम तक पहुंचना पड़ेगा ना, नहीं तो बीच में अटक जाओगे, तो बीच में अटक जाओगे, ठीक है ना? ऐसे होता है, भ्रांति हो जाती है ना, भ्रांति हो जाती है। तो कैसे विवेक करोगे? अन्वय व्यतिरिक अभ्यम, अन्वय व्यतिरिक के द्वारा है। तो सबका व्यतिरिक हो रहा है, आत्मा का अन्वय हो रहा है साक्षी का। सभी वृत्तियों में, वृत्ति के अभाव में साक्षी है ना? ये साक्षी का अन्वय है, सबका व्यतिरिक है। तो किससे अन्य व्यतिरिक होगा? मतलब प्रमात्री प्रमाण प्रमेयभ्यो हीय मान उपाधेय मान भ्यो। प्रमात्री प्रमाण प्रमेय, प्रमाता अंतकरण विशुद्ध चेतन, प्रमाण है आपकी वृत्ति इत्यादि ज्ञान है, प्रमाण है। प्रमेय घटपट आदि है ना, ये कभी हीयमान होते हैं कभी उपाधेयमान होते हैं। हाँ, प्रतिकूल हो गया तो हीयमान है और अनुकूल होगा तो उपाधेयमान है। जिसको छोड़ा जाता है उसका नाम होता है हीयमान, वाक त्यागी, और जिसको ग्रहण करना है उसका नाम उपाधेयमान है कि नहीं? वो कौन होता है? उपाधेयमान होता है, उपाधेयते उपाधेयमान है, ग्रहण करना है, ठीक है? जिससे सुख होता है वो होता है उपाधेयमान, और जिससे दुख होता है वो क्या होता है? हीयमान होता है। कभी हीयमान है तो कभी उपाधेयमान, ये सब आने वाले जाने वाले हैं। उससे अन्य व्यतिरिक्त करना है। तो ऐसा तुम तो साक्षी हो, वही मैं हूँ, साक्षी ही मैं हूँ। आत्मानाम, आत्मा को निष्कृष्य मतलब अलग करके मतलब शोधन हो गया, अहम पदार्थ का शोधन, तब फिर अद्वित कि मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान होगा। अहम अर्थ का ज्ञान हो तो फिर ब्रह्म का ज्ञान होगा। तत्तमस्यादि वाक्यभ्यो, तत्तमस्यादि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य है, उस महावाक्य से आत्मा को जाने, आत्मानं विजानीयात्। ये देखो, आत्मा को जाने, आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा का स्वरूप ब्रह्म है ना? सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म वो आत्मा है। वो तो आत्मा कौन है? अपूर्वादि लक्षणम, जो जो अन्य प्रमाण से ज्ञात हो वो तो पूर्व हो गया। वेदांत वाक्य का विषय अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, इसलिए का अपूर्व है ना। हाँ, सर्व कामो जजेत है, सर्व की इच्छा करने वाला जाग करे है, स्वर्गादि फल प्रापकत्व जाग में है, ये किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, ये अपूर्व है। इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी कैसा होता है? वेदांत वाक्य भी अपूर्व वाक्य होता है। आत्मा अद्वितीय है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव है आत्मा, ऐसा किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है, ठीक है? अपूर्वादि लक्षणम आत्मानं बीजानीयात्, उसको साक्षात्कार करे, साक्षात्कार करे। बीजानीयात् ज्ञान में तो विधि नहीं होती है, ज्ञान के साधन में विधि होती है। मतलब ज्ञान के लिए प्रयास करे, श्रवण मनन ध्यान करे, जैसे आत्मा वरे द्रष्टव्य, ज्ञान में विधि नहीं होती, श्रोतव्य इत्यादि में विधि होगी। तदेतदाह, इसी बात को कहते हैं। हाँ, अदृश्य भी कह सकते हैं, विरोध नहीं है। अदृश्य कहिए, अज्ञात कहिए, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, 46 नंबर देखो श्लोक है। अहम दुःखी सुखी चेति येनायम प्रत्ययो ध्रुवः अवगत्यंत आभाति समा आत्मेति वाक्यधीः। वो कहते हैं, देखोगे बोलते हैं कि अहम दुखी, मैं दुखी हूँ मैं दुखी हूँ समझे ना? तो पहले बोल देते सुखी, बोल देते नहीं होता, तो फिर सुखी काय को कहा भी, क्या अभिप्राय हो सकता है? देखा सब
सब दुखी है और क्या है, सुख भी दुखी है, दुखी है इसलिए दुख का बोल दिया। क्योंकि विवेकी को सर्वत्र क्या दिखता है, दुख का दिखता है कि सुख का दिखता है? विवेकी को दुख ही दिखता है, कहीं सुख दिखता नहीं संसार में है कि नहीं? अहम दुखी, सर्वम दुखम विवेकिना, विवेकी को संसार सब दुख रूप ही है। ठीक है, ये दुख और सुख सब अंतकरण का धर्म है, अनुकूल प्रतिकूल होने पर सुख दुख होता है। अहम दुखी अहम सुखी इति, देखो यहाँ पर क्या है, अहमपना का भी प्रकाश हो रहा है, दुखीपना का भी प्रकाश हो रहा है ना। अहम दुखी अहम सुखी च इति प्रत्यय, अयम प्रत्यय अध्रुव, ये सब ये जो क्षणिक है कि नहीं, सुखीपना दुखीपना है, ये तो क्षणिक है, हमेशा कहाँ रहता है? कभी सुख होता है तो कभी दुख हो रहा है, जो अध्रुवा कह दिया, ध्रुवा नहीं है ये, नित्य नहीं है ये, क्षणिक है वो। सुख दुख उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हो जाता है, ये प्रत्यय है, ये वृत्ति रूपी ज्ञान। अयम प्रत्यय, देखो इदम शब्द का प्रयोग किया अयम, क्योंकि तो साक्षी भाष्य है ना ये, है ना, अहम और दुखी सुखी ये सब जो है साक्षी भाष्य है, इसलिए यहाँ पर इदम शब्द का प्रयोग किया। ये ना मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा इसका क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, आभाति, ये ना जिसके द्वारा आभाति असमानता भाति, सब साक्षी से ही प्रकाशित हो रहा है, ऐसा कोई जो नहीं है सुख दुख इत्यादि जो है वृत्ति रूपी ज्ञान, वृत्ति अंतकरण अंतकरण धर्म, ऐसा जो नहीं है कि साक्षी के द्वारा प्रकाशित ना हो। आभाति असमानता भाति कहाँ तक, अवगत्यंत निश्चात्मक ज्ञान पर्यंत सब इसी से प्रकाशित हो रहा है। अवगति, अवगति कहते हैं प्रमाजन्य ज्ञान को, प्रमाणजन्य ज्ञान को कहते हैं अवगति, मतलब प्रमति, निश्चात्मक हो चाहे संशय हो निश्चय हो है कि नहीं, भ्रांति रूपी ज्ञान हो, सब के सब जो है ये साक्षी के द्वारा ही प्रकाश हो रहा है। एका अवगत्यंत, अवगति पर्यंत जितने भी है, ये ना आवाति, जिसके द्वारा प्रकाश हो रहा है ना, वो सह मैं आत्मा, वही मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है। इति वाक्यधी इति वाक्यधी वाक्याधी इति वाक्यधी, पंचमी तत्पुरुष समास, वाक्यादि वाक्य से ज्ञान होगा, वेदांत वाक्य का विचार करने से ज्ञान होता है ना, ऐसी जो बुद्धि है इस वाक्य के द्वारा होगी ना। बड़ी ठीक है, तो अहम दुखी अयम अर्थ दुखित्वादि प्रत्यय, ये सब प्रत्यय तो है वृत्ति रूपी ज्ञान, ये सब आगमा पायित्वात अध्रुव, अध्रुव क्यों कह दिया, आगमा पाई उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है कि नहीं? सुषुप्ति में जाएंगे तो सुखीपना दुखीपना नहीं है, अहंकार वृत्ति भी नहीं है, अंतकरण वृत्ति नहीं ना है कि नहीं? और ये सब जागरण सपना में है, सुषुप्ति में ये नहीं है, सुषुप्ति में तो अविद्या वृत्ति है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इले का आगमा पायित्वात अध्रुव, ये सब आगमा पाई है ना, उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, इसलिए अध्रुव ऐसा है। अवगत्यंत मतलब क्या है, प्रमिति अंतो, अवगति का अर्थ होता है प्रमिति, प्रमाणजन्य ज्ञान निश्चय, लेकिन देखो संशय भी हुआ संशय का भी भान हो जाता है रसी है कि सर्प है, देखो रसी ही है ये भी साक्षी से हो रहा है, भ्रांति अयम सर्प है ये भी होता है, सब साक्षी से भान हो रहा है कि नहीं? त्रिजे ना मतलब साक्षी ना, तो साक्षी से प्रकाशित हो रहा है लेकिन साक्षी का कोई संबंध नहीं है ना,
कहीं गया क्या, पीछे गया कहीं? आत्मा ये दुखी भवे, दुखी ना कह साक्षी भवे, कहाँ पर गया, पीछे गया कहीं? आगे आएगा कहीं? आत्मा यदि दुखी हो उसको कहीं गया, कहीं है पीछे आगे है कहीं है। आत्मा ये दुखी हो जाए ना, तो उसका फिर साक्षी कौन होगा? तो फिर साक्षी कौन होगा? इसलिए दुखी पना सुखी पना आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है, ये सब अंतकरण के धर्म है भगवान। चलो टीका देखो, ये ना साक्षिणा अभाति सैव सर्वज्ञ परमेश्वर। ओ देखो वो तो सबको प्रकाशित कर रहा ना, इसलिए कह दिया सर्वज्ञ सैव सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। ये भी अर्थ होता है ना, और सर्वश्चाशुज्ञ ये भी होता है, साक्षी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है ना। सर्वज्ञ परमेश्वर मम आत्मा, वही मेरी आत्मा है, ऐसा ज्ञान होता है वाक्यधी का है। यह श्लोक में वाक्याधीर भवति, भवति का अर्थ कर लिया वाक्यधी ही भवति, वाक्य से यह ज्ञान होता है। वृत्तानुद्रवणा पूर्वकम उत्तर ग्रंथ संदर्भ तात्पर्य अभी जोड़ रही है। पहले जो कहा गया उसका कथन पूर्वक उत्तर ग्रंथ के संदर्भ का तात्पर्य बताते हैं। उत्तर ग्रंथ ये 48 नंबर श्लोक है, इसका क्या तात्पर्य है? देखो बोलते कि प्रमाणांतरा अनवष्टब्धम निरस्ता शेष कार्य कारणात्मक द्वैत प्रपंचम सत्य ज्ञानानंद लक्षण, सत्य ज्ञानानंद लक्षण आत्मानम सत्यमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यम संशयित मिथ्या ज्ञान अज्ञान प्रध्वंस मुखेन साक्षात अपरोक्षात करतल निस्तामलकवत प्रतिपादयति एव इति असकृत अभिहित। ये देखो ये पहले का बात, पहले जो कह दिया ना उसका अनुवाद तो कह रहे हैं। देखो प्रमाणांतर अनवष्टब्धम है, जो वेदांत वाक्य से जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो किसी भी प्रमाण से ज्ञात है ही नहीं। देखो अनवष्टब्ध अनवष्टब्ध मतलब ज्ञात नहीं, अज्ञात है, ठीक है ना। यदि अन्य प्रमाण से ज्ञात का कथन करते तो अनुवाद हो जाएगा, है अनुवाद हो जाएगा तो फिर आदर नहीं होगा वेदांत वाक्य से, वाक्य वेदांत वाक्य के प्रति आदर नहीं होगा, पहले कहा ना, है कि नहीं। अनुवाद में आदर नहीं होता, संशय होने पर भी आदर नहीं होता है, भ्रांति होने पर भी आदर नहीं होता है, और बताओ कहीं ज्ञान ना हो तो तब भी आदर नहीं होता। अरे बोलते जाएंगे कोई अर्थों ने निकले तो क्या आदर होगा बताओ चारों में से कोई हो तो आदर नहीं होता है। क्या क्या? अनुवाद हो तब भी आदर नहीं, संशय हो, संशय संशय यदि पैदा कर देगा तो क्या आदर होगा, भ्रांति हो तब भी आदर नहीं होता है, और ज्ञानी ना हो तो केवल तो गप लड़ाते रहे तो तब भी नहीं होता है। इस चारों में से कोई भी हो तो आदर नहीं होता है, वेदांत में चारों में से कोई भी नहीं ऐसा इसलिए यहाँ पर कहा प्रमाणांतर अनवष्टब्ध, ठीक है ना। निरस्ता अशेष कार्य कारणात्मक द्वैत प्रपंच, ये आत्मा स्वरूप में देखो कोई भी द्वैत प्रपंच है ही नहीं, इसलिए निरस्त मतलब समाप्त हो गया। अशेष ये जो आत्मा है ना, कारण है कि कार्य है, कारण
कारण कार्य कुछ नहीं है, ना निरोधो न च उत्पत्ति, ना कोई, सब अविद्या अवस्था में ही कारण कार्य भाव होता है कुछ धर्म है ना। फिर स्वरूप से ना आत्मा से कोई अतिरिक्त है ही नहीं, तो कौन कारण कौन कार्य है। अरे सारे चित्र को जो पर्दा रूप से आप जान लिया, तो कौन चित्र है यहाँ पर पर्दे में है? जैसे वो जानते कि रसी ही है, तो सर्प कहाँ से आया कहाँ जाएगा? रसी में सर्प आएगा कहाँ से जाएगा कहाँ, धर्म है कि नहीं। इसी प्रकार से जान ले सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ये जगत आया कहाँ से जाएगा कहाँ से, ये सब अविद्या अवस्था में, ये सब सारा उपदेश होता है। जगत उत्पन्न हो गया, जगत लय हो गया, जगत को परमात्मा चला रहा है, परमात्मा सबको फल दे रहा है कि नहीं। ये सब अविद्या अवस्था में ये सब, पिछले कहा निरस्त अशेष कार्य कारणात्मक अद्वैत प्रपंचम, ऐसे कौन जहाँ पर कोई द्वैत प्रपंच है ही नहीं, बोलते हैं वो वही सत्य है, उसी में ही सब भास रहा है, न होने पर ही भास रहा है, इसलिए वो सत्य कह दिया। आदि से भास रहा है वो तो चीत है ना, वो पहले ज्ञान स्वरूप का है कि नहीं, वही आनंद स्वरूप है वो है कि नहीं, उसमें दुख का कोई संबंध ही नहीं, आनंद स्वरूप है वो, सत्य ज्ञान आनंद लक्षणम। ऐसा कौन है? ऐसा वही आत्मा है, आत्मा शब्द का लक्षार्थ वही है, हैं उसमें द्वैत है ही नहीं, इसलिए क्या है तुम वही हो, तत्वसि में ही छांदोग्य में ही कहा कि वही तुम हो तत्वसि। और यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि का प्रधान इत्यादि वाक्यम जो महावाक्य है, संशयित संशयित मिथ्या ज्ञान अज्ञान प्रध्वन सम्मुखीन है। देखो पहले संशय होता है कि नहीं, और क्या होता है मिथ्या ज्ञान भ्रांति ज्ञान, संशय कहते कैसे ये जगत सत्य है कि मिथ्या, ये संशय है, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं ये संशय है, आज जगत सत्य है ये मिथ्या ज्ञान भ्रांति ज्ञान है, और मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ कर्ता भुक्ता हूँ, ये सब क्या है मिथ्या ज्ञान। क्या कह रहे यहाँ पर मिथ्या ज्ञान, यहाँ पर मिथ्या अज्ञानी करना है, यहाँ पर मिथ्या ज्ञानी करना है, धर्म है कि नहीं, ज्ञान का विशेषण ही मिथ्या ज्ञान है कि नहीं। हाँ इसलिए यहाँ पर मिथ्या आगे क्या करेंगे, आगे मिथ्या के बाद यहाँ पर ज्ञान, हाँ हाँ यहाँ पर ज्ञान करना अज्ञान नहीं करना है, धर्म है कि नहीं। ठीक है, और क्या है अज्ञान, अज्ञान है मूल अज्ञान है, आगे मूल अज्ञान मूला विद्या है। ठीक है, मूला विद्या की निवृत्ति हो गई तो ना कोई भ्रांति ज्ञान रहा और ना कोई संशय रहा, लेकिन प्रधान सम्मुखीन सबको नष्ट कर देगा ज्ञान है कि नहीं। ये स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, देखो अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर कैसे होती है प्राप्ति, साक्षात परोक्षात, क्योंकि ब्रह्म तो आपका स्वरूप है ना, ब्रह्म आपका स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ वस्तु नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप है, उसका भान के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मन आदि की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन साक्षात परोक्षात और ज्ञान को निवृत्त करने के लिए प्रमाण की जरूरत है, और ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी और ज्ञान प्रमाण से होगा, लेकिन स्वरूप का बोध प्रमाण से नहीं। स्वरूप तो आपका चेतन ही है, इसलिए कहते साक्षात परोक्षात। साक्षात परोक्षात का मतलब क्या हुआ, प्रमाण के बिना स्वरूप का बोध होता है कि नहीं। हाँ इसमें कोई वृत्ति नहीं है फिर भी स्वयं का भान होता है कि नहीं, किस प्रमाण से होता है। है कि नहीं, एकात्म प्रत्यसारम मांडुक्य में कहा गया, मांडुक्य में सुनेंगे देखो, एकात्म प्रत्यसार तीनों अवस्था में मैं हूं करके भान हो रहा है, किस प्रमाण से हो रहा है, किसी प्रमाण से नहीं, मैं हूं करके जो भान होता है वो प्रमाण के बिना ही होता है। है कि नहीं, दृष्टांत दे दिया, करतला नेस्ता अम्ल कवत, हाथ में रखा हुआ जो आंवला है
उसमें जैसे संशय इत्यादि कुछ नहीं होता है ना। इसी प्रकार का जो है स्वरूप का बोध कराता है वेदांत वाक्य, इलका प्रतिपादयति एव इति अशक्यत अभेदम। बार बार ये बात पहले कही गई है, ये तो अनुवाद कर दिया पहले का जो कह दिया। आगे का जो उत्तर ग्रंथ है उसके संदर्भ को तात्पर्य, संदर्भ का आगे ग्रंथ के संदर्भ में जो तात्पर्य है उसका कथन करने के लिए कहा था पहले का। तत्र केचित आहु, इसके विषय में कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसका विचार आगे करते हैं। आज इतना मेरा, हाँ, कल न दिया परसों करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।